तो क्रेटा तो बहुत ज्यादा महंगा हो जा रहा है, जिसमें काजल कह रही है हमको सनरूफ वाला ही चाहिए। और आप लोग बाकी सजेस्ट कीजिएगा कौन सा कार सही रहेगा। सोच रहे ना, इस टाटी देख सकते हैं लटक पटक सा गया है चारों तरफ से, सोच रहे हैं इसको उजाड़ देने के लिए। और अभी हम अपने घर को जा रहे हैं उजाड़ने, बहुत दुख की बात है। हाँ, घर उजाड़ना है दोस्तों वो वाला। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। एंड स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 5:30 हो रहा है, और देख सकते हैं पूरा धुंधला धुंधला सा होगा, कोहरा गिरा हुआ है। और इस टाइम मेरे को जाना है स्टेशन, क्योंकि स्टेशन जा रहे हैं। अभी हेलमेट भी ले लिए हैं और दो दो जैकेट पहन लिए हैं, जूता भी पहन लिए हैं, क्योंकि स्टेशन जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं, प्रिंस और भैया दोनों लोग आए हैं स्टेशन पे, तो उनको लेने चल रहे हैं। सुनील भैया भी आए हैं, तो चलिए प्यारे से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आपका जर्नी। तो अभी दोस्तों हम आरना के पास पहुंचने वाले हैं, और अभी पहले तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, अभी तो कम हो गया वैसे, और इधर से सूरज भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट से पहुँचते हैं, वैसे ठंडा तो अभी भी लग ही रहा है। हेलमेट और ये दो दो जैकेट पहन लिए हैं, तो पैरों में बस लग रहा है, वही क्यों फटा वाला जीन्स पहनने की वजह से। तो अभी गाड़ी देखिए ऐसे ही चल रहा है, 20-19। तो चलिए चलते हैं। तो वो लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और उसके बाद से दिखाते हैं। तो अभी पहुंच गए फाइनली स्टेशन पे, और ये रहा थावे जंक्शन, ये प्रिंस भैया। तो चलिए लेके चलते हैं, गाना चल रहा है प्रशासन छोड़ देगा नाम रखने पे। यही होता है बिहार में। तो अभी आ गए हैं भैया, भी आ गए। अबे पीने से चाय। दोस्तों हम आ गए थे एक्चुअली, और काजल अभी खाना उधर बैठा दी है, दाल चावल, और दाल लेके ही मैं आया था उधर से। और इधर अभी कुछ कुछ बोतल मतलब धो के पानी भर रही हूँ। अभी जा रहे हैं हम मार्केट में, क्योंकि काजल अपने चैनल पे कुछ रेसिपी दे रही है, उसी के लिए सामान लाने, और बहुत ही धासु रेसिपी है, तो आप लोग देखिएगा हमारे काजल मिथुन ब्लॉग चैनल पे। तो चलिए लेके आते हैं। चलिए चलते हैं। अभी दोस्तों शाम हो गया है और 4 बज रहा है शाम का, और काजल ने भी बनाया था गरम गरम चाय दूध वाला, और इसमें ब्रेड भी खाए थे दूध से, चाय से, इस वजह से ब्रेड गिरा है इसमें। और हम सोच रहे हैं ना, आओ काजल, सोच रहे हैं ना, इस टाटी देख सकते हैं लटक पटक सा गया है चारों तरफ से, सोच रहे हैं इसको उजाड़ देने के लिए, चारों तरफ से एकदम लटक गया है इधर उधर। और ये नहीं तो हवा भी आता है थोड़ा सा, तो ये हिलने लगता है और गिर भी जाएगा, और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, एकदम कबाड़ जैसा लग रहा है। तो देखिए इसको उजाड़ने की सोच रहे हैं, बाकी आप लोग राय दीजिएगा। तो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन साग कहीं नहीं मिल रहा, साग खाने का बहुत मन कर, क्योंकि अभी तोड़ी छोटा छोटा है। और देखिए कितना सुंदर वहाँ पर सनसेट हो रहा है, तो कितना सुंदर लग रहा है। हमारा मोबाइल ज़्यादा जूम नहीं करता है भाई। अभी इसका काम आएगा, देखिएगा 10 दिन बाद, फिर हमको गलत मत बोलिएगा, 10 दिन बाद हम रावो नहीं करेंगे कि तापेंगे, आप ही अकेले रह के तापिए। तो अभी चल रहे छत पर दोस्तों, कुछ काम है, मानसी बेटे गई है दीदी घर, तो उसको भी बुलाना है अभी। कुछ ज्यादा स्वेटर नहीं पहनी है, 2-3 कपड़े पहनी है बस, मतलब स्वेटर नहीं, समय समय चढ़ रहा है देखिए ये सीढ़ी का, तो इसलिए शाम को शायद ठंड लगे, गर्मी नहीं ना बुझा रहा है, थोड़ा सा भी गर्मी का मौसम नहीं लगा, बस सुबह गर्मी, हाँ वही ठंडी का मौसम। क्या है ना, सुबह में थोड़ा सा लग रहा है और शाम में थोड़ा सा। देखिए अभी सूरज ढलने वाला है और हम स्वेटर नहीं पहने हैं, ना मानसी के पापा, अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे तो चाय पिए ना, तो गर्मी जैसा हो रहा है, लग रहा है गर्मी छूट रहा है ऐसे करके, दम थक जाते हैं क्योंकि ना बहुत चढ़ते हैं, 2 साल पहले उतना से नीचे 20-20 मंजिल, एक वो भी एक एक बार में 3-4 बार चढ़ते थे जब लिफ्ट खराब होता था। हम भी तो चढ़ते थे, मानसी को खिलाने वगैरह ले जाते थे,
ऊपर में दोस्तों अभी मानसी होती ना तो कहा बोलते कि मामा ये देखो सुबह सुबह चांद निकल रहा है मतलब दिन में ही दिखाई देते हैं ना चांद चांद, तो मानसी बोलती है कि सुबह कैसे चांद आ जाता है, रात में चांद को आना चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग बहुत बड़ा कुछ डिसाइड कर रहे हैं। नहीं अभी हम ना कार वाला वीडियो देख रहे थे कि मतलब कि फ्यूचर में सोचे हैं जब भी मतलब कि हमारे पास उस लायक हो जाएंगे तो कार लेने की सोचे हैं, तो वही देख रहे थे क्रेटा और टाटा का नेक्सॉन। तो क्रेटा तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जा रहा है, जिसमें काजल कह रही है कि हमको सनरूफ वाला ही चाहिए, तो सनरूफ वाला SX वेरिएंट काफ़ी महंगा हो रहा है, 19 लाख तक जा रहा है, और नेक्सॉन में 11-12-13 लाख का समथिंग आ जाएगा सब फीचर। नेक्सॉन भी ठीक, लेकिन तो एक रिव्यू देख रहा था ना, उसमें गिलास में डिस्पोजल गिलास होता है जो प्लास्टिक वाला, उसमें पानी रख के इंजन टेस्ट कर रहा था, मतलब वाइब्रेशन दिखा रहा था तो वही सोच के बड़ी हंसी आ रहा अभी तक कि टाटा भी सोचते होंगे कि यार। तो इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब देखिए बिल्ड क्वालिटी, आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा ज्यादा बेटर रहता है, टाटा वाला या कभी ले तो हुंडई वाला। मान लीजिए मतलब एक दो साल बाद ही ले रहे हैं तो अभी से सोच सोच के रखे तो इतना बड़ा डिसीजन है तो ज्यादा दिन से सोच के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और हमको कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे एक होता ना इच्छा, वो दिन फाइनली अगर हम चाहें तो आएगा मेहनत किया जाए तो इसलिए एक खुशी होता है, और खुशी से हम देख रहे थे वीडियो तो काजल काट के भाग गई, बोले नहीं देखिए अभी, क्योंकि ऐसे में और ज्यादा वो बढ़ता रहता है ना कब आए कब आए, तो वही देख रहा था। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा वाला बेटर रहता है। वैसे सेफ्टी रेटिंग में तो मेरे को लग रहा है टाटा ही ज्यादा बेस्ट होता है, लेकिन क्रेटा का जो लुक है वो हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ क्रेटा वाला लुक बड़ी हेवी लग रहा है, लेकिन लुक वाइज देखे तो क्रेटा सही है, फीचर्स के मामले में भी सही है, पैरानोरमिक सनरूफ है उसमें, और टाटा में देखे तो 3 सिलेंडर है और थोड़ा वाइब्रेशन है और स्पेस भी थोड़ा सा उसके मुकाबले कम ही है, क्योंकि हम लोग टाटा में बैठे हैं ना, है ना विजय भाई के कार में, तो उतना मतलब वो नहीं लग रहा था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सा बेटर होता है। देखिए सेफ्टी है तो सही है, वाइब्रेशन से क्या दिक्कत है, स्पेस कम है, हम कौन सा बड़े 7-7 फुट का है, गांव में रहना है उसी हिसाब से देखेंगे, भविष्य में कभी लेना होगा तो उसे लेंगे। तो देखा जाए तो मेरे को तो टाटा ही ठीक लग रहा, अभी तो क्रेटा क्रेटा कर रहा था मैं, लेकिन फिर देखा कि बजट जहाँ वो 20 लाख में वो फीचर दे रहा है वो यहाँ पे 12 लाख में मिल जा रहा है, तो चलिए वो सब तो बात की बात है, बट आप लोग बताइएगा ताकि आपके कमेंट के अनुसार ना हम अभी से सपने को सजाएंगे। और देखिए जो सोचते हैं ना अक्सर वो कहते हैं लोग कि नहीं होता है, लेकिन हमारा कहना ये है कि 2 साल पहले मानसिक पापा ना अपाचे का सपना देख रहे थे, हमको पता भी नहीं था कि इनको अपाचे इतना पसंद है, हम बोले थे कभी कभार कि काजल कभी गाड़ी लेना होगा तो अपाचे ही लेंगे 2 साल पहले, और कार को भी हम लोग 1 साल से सोच रहे हैं, देखते हैं कब। हाँ 1 साल हो गया सोचते, तो एक होता ना कि देखिए जब तक सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे। हाँ यही मेरा मानना है, कार ले लेंगे तो हमारा सेकंड मतलब दूसरा इनकम भी चालू हो जाएगा। हाँ हम इस घूमने के लिए नहीं ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, मतलब हम इसलिए ले रहे हैं कि बुकिंग हमारे गांव में मतलब कि एक तो हमारे कह सकते हैं हमारे एरिया में ना दोस्तों, हाँ। कह सकते हैं कि मतलब कि उस टाइप का अभी गाड़ी नहीं है जो दूल्हा को मतलब डिस्ट्रिक्ट से मंगाना पड़ता है ना। मेरे भाई की शादी में कहाँ कहाँ ढूंढे तब जाके मिला, एरिया में है ही नहीं, तो एक मेरे मतलब कि गांव के काफ़ी सारे लोगों के पास गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, ये सब गाड़ी है, तो वो लोग बोलते हैं अगर लेना हो तो छोटा वाला गाड़ी लेना जिसमें आपको बहुत सारा बुकिंग मंगाएंगे हम, और स्कॉर्पियो से ज़्यादा बुकिंग इसको मिलता है क्योंकि दूल्हे की गाड़ी के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो हम सोचे कि रहेगा तो एक साइड इनकम भी हमारा हो जाएगा, लगन में काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है, इसलिए सोच रहे हैं, और अपना घूमना भी हो जाएगा थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं जाना जैसे किसी यूट्यूबर के यहाँ किसी फंक्शन में, और गांव में भी रहता है ना दोस्तों तो काफ़ी अच्छा मतलब कहीं भी मतलब मान लीजिए हमको 15 किलोमीटर दूर जाना है तो उसके लिए 1500 लेते हैं, है ना। क्या चीज़ अच्छा, हाँ स्कॉर्पियो का, हाँ 15 किलोमीटर दूर जाना होता है 20 किलोमीटर ऐसे तो 1500-2000 ऐसे लेते हैं, तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि वैसे सेकेंड इनकम भी हो जाएगा अपना, हम बुकिंग भी चलाएंगे और इधर दूर दूर का ही बुकिंग मिलता है, ऐसा नहीं है कि पास का 5000-10000 का, 30-30-40-40 हज़ार। अगर भविष्य में कभी भगवान ना करे अगर यूट्यूब नहीं रहा तो हम नोएडा में उसको चाहे तो हम क्या उसमें कर सकते, ओला कैब में मतलब चला सकते मानसिक पापा, तो इसलिए और अन्य तो यहाँ भी काफ़ी उसका बिजनेस हर जगह मतलब गाड़ी है तो हर जगह कहीं ना कहीं से कमाई हो जाएगा, यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनको भी रिक्वायरमेंट होता है,
यहाँ मानसी के पापा पूछे थे, मतलब कई लोग स्कॉर्पियो है जिनके पास, तो बोले थे कि हम तो मतलब कभी गए हैं बाहर जाके इसका ईएमआई भरे हो, मतलब गाड़ी, गाड़ी से ही कमा के ईएमआई भर लेते हैं, जो लोन कराते हैं गाड़ी लोन पे ही तो लिया जाता है, तो वो चीज़ तो हम सोचे हैं कि लेंगे तो चलाएंगे इसी में, तो डबल इनकम रहेगा, फिर उसके बाद से एक और बिजनेस की सोच रहे हैं, वो भी करेंगे आगे चलकर, अभी बहुत दिन है उसमें, उसमें इसलिए तो कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि अभी जब तक ये फिनिश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते ना, इस वजह से। और कल गए थे वहाँ पे, तो मेरा भाई का मैं वीडियो वहाँ भी देख रहा था, ऐसे उस वहाँ क्रेटा का देख रहा था ना वीडियो, तो भाई कह रहा है कि ले लो मेरे शादी से पहले, उसी में दूल्हा बन के चलूँगा, हम बोले यार काश ले पाते है ना। देखिए अब सोचे हैं जब लेंगे लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये पता नहीं, अब उसके लिए मेहनत तो कर ही रहे। और आप लोग बाकी सजेस्ट कीजिएगा कौन सा कार सही रहेगा। और अभी हम अपने घर को जा रहे हैं उजाड़ने, बहुत दुख की बात है। हाँ, घर उजाड़ना है दोस्तों वो वाला, चलिए नीचे से दिखाएंगे क्या क्या उजाड़ने वाले हैं और क्यों उजाड़ने वाले हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तो किसी का घर उजाड़ता है तो कोई खुश होता है, अब इस खुशी का कारण क्या है वो भी तो जानने के बाद ही मतलब आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों खुश है, कारण क्या है। अभी देखिए इधर कितने लोग खेत पटा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा हरा भरा एकदम, अभी तो 10 दिन बाद और हरा भरा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ा सा पार्क है ना। लेकिन जब सरसों फुला जाएगा और जब हम इसमें रहेंगे तब और अच्छा लगेगा, या फिर बारिश का मौसम होगा चारों बगल ऐसे ही पानी लगा रहेगा और हम लोग छत से देखेंगे रील्स बनाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं ये सब सपना कब पूरा होता है, आप लोग बाकी कमेंट में बताइएगा जरूर कौन सा कार सही रहेगा। और चलिए मानसी को जाइए लाने, नेक्सॉन आ रहा था। बाप नेक्सॉन नहीं है, हम सच होता है ना रोड पे कभी कभी बाइक लेके जाते हैं ना कहीं कहीं रोड पे, देखते हैं क्रेटा लगा है कहीं या फिर कहीं नेक्सॉन लगा था, हम हमको चिल्ला के वही बोल देते हैं, हमको देखते हैं, हमको शर्म भी आता है, आपको तो बोलता हूं कल देखो ये गाड़ी ये, अब सब लोग वहां देखने लगते हैं, बोले कोई ऐसे और अकेले जाते हैं ना जैसे दोस्तों के साथ जाते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं हम लोग, हम बोलते हैं ए बुलेट देख ये देख कार, तो बोलता है रुक रुक रुक, रुका देते हैं और रुका के उसको छू के देखते हैं कैसा है। तो फ्रेंड अभी ये रात का टाइम हो रहा और आप सभी को गुड नाइट पहले ही बोल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रात हो रहा है, 9 बज रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, इस टाइम तक हम लोग अभी खाना बनाते हैं लेकिन आज जल्दी बना लिए, और कल सुबह उसको उजाड़ पुजाड़ करेंगे सारे घर को, देखते हैं टाटी को, टाटी को, तो कल सुबह आप सबसे मिलेंगे। और ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग अपना राय दीजिएगा और गैस कीजिएगा क्यों उजाड़ रहे हैं हम लोग इस घर को जो इतने प्यारे हाथों से बनाए थे। कुछ तो गड़बड़ है, तो चलिए वो तो नेक्स्ट डे बाई डे पता चल जाएगा आप लोग को क्यों उजाड़ रहे हैं। तो इस ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, बाय।